अग्रसर शहर में सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले सेवा फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। बुधवार की शाम को सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष और सदस्य ने चमनपुरा और विठल नगर में लोगों को जरूरत का सामान वितरित किया। यवतमाल जिले का दिग्रस शहर आसमानी संकट से जूझ रहा है। यहाँ बीते शनिवार को आई प्रलयकारी बाढ़ ने कई लोगों को एक तरह से बर्बाद कर दिया है। बाढ़ के कहर के बाद जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर वापस आता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कई स्वयंसेवी गुट लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई अन्नदान कर रहा है तो कोई जरूरतमंदों को जरूरत का सामान दे रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय सेवा फाउंडेशन ने आगे आते हुए चमनपुरा और विठल नगर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बर्तन, कपड़े और अल्पोपहार का सामान वितरण किया। इस पहल में सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अरबाज धारीवाला, उपाध्यक्ष कादर नागानी के साथ ही जाकिर शेख, जुबैर मनियार, प्रशांत थोरात, राहिल शेख ने योगदान दिया। सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अरबाज धारीवाला ने इस पहल के बारे में इन बीसीएन से अपने विचार साझा किए हैं। 22 जुलाई रोजी दिग्रस शहरामध्ये आलेल्या महापुरामध्ये लोकांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे। आज आम्ही सेवा फाउंडेशन तर्फे एक लहानसा प्रयत्न म्हणून जे जास्त प्रभावित क्षेत्र आहे, जसं की चमनपुरा, विठ्ठलनगरचा मागचा काही भाग, त्यामध्ये आम्ही आज अत्यावश्यक वस्तूमध्ये समजा काही भांडे, प्लेटा, गंज, त्यासोबत काही फराडाचे आयटम आणि कपडे सेवा फाउंडेशनतर्फे आम्ही आज वाटप केलेलं आहे। आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो की अतिप्रभावित भागामध्ये तातडीने सर्वे करून त्यांना मदत देण्यात यावी। धन्यवाद। प्राकृतिक संकट जब भी आता है अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है। इस संकट में फंसे लोगों को मदद का हाथ देना और उन्हें इस संकट से पार कराने के लिए जितना भी संभव हो उतना सहयोग देना ही मानवता धर्म है। शहर के अन्य स्वयंसेवी गुटों के साथ ही सेवा फाउंडेशन ने आगे आकर सेवा भाव को साकार कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ पहल है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।